तिलिस्मी गोले वाली। आपके इस तिलिस्मी गोले के बारे में हमने काफी सुन रखा है। आइए, अब आप यहाँ पर आई हैं तो एक बार हमें बताइए कि हमारी रानी साहिबा के साथ कल क्या होने वाला है। जय अंबानी, तेरा वरदान ना जाए खाली। रानी साहिबा के साथ कल क्या होने वाला है जानना चाहती है ये आम्रपाली तिलिस्मी गोले वाली। अरे ये क्या, इनके पैर में ये दर्द हो क्यों रहा है? हाँ, जो अभी तक नहीं हुआ उसका जवाब कैसे दे सकते हैं जहाँपनाह? गोले वाली, हमारी तकदीर का गोला कब चमकेगा जरा ये भी बताइए। शाही खून है हम। मसक्कली, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। आली जा, कल तक का करो इंतजार, हर नामुमकिन मुमकिन दिखेगा। अब आप इतने दावे के साथ कह रही है तो हम भी कल तक का इंतजार करेंगे। लेकिन अम्रपाली जी, हमारे जहांपनाह के बारे में बताइए कुछ। जरूर रानी साहिबा। जय अम्बाली। जहांपनाह का खून, कौन है ये गुस्ताख हमलावर? बीरबल, बीरबल हमारी जान ले रहे हैं। अरे एक बार को अगर कोई और होता तो हम ये बात मान भी लेते, लेकिन बीरबल नहीं। पर इस गोले की भविष्यवाणी पर यकीन रखिएगा जहांपनाह। रानी साहिबा, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, कैसे? पता नहीं जहांपनाह, हम थोड़ा सा भी चलते तो पांव में बहुत दर्द होता है। लेकिन उस अम्रपाली गोले वाली की बात सच? मुझ अरे उस अम्रपाली गोले वाली की पहली भविष्यवाणी तो सच हो गई है। पहली भी दूसरी भी? क्या दूसरी भी? और अंगूर खाएंगे शहजादे सलीम? खिलाइए ना। शर्म नहीं आई आपको ऐसी हरकत करते हुए? सलीम पे बरसने से पहले एक बात पे गौर कर लीजिए, सब कुछ वही हो रहा है जैसे हमने तिलस्मी गोले में देखा था। इसका मतलब है दो भविष्यवाणियां सच, अब तीसरी की बारी है। जहांपनाह की जय हो। सिपाहियों, बीरबल जी को आने क्यों दिया? अरे हम जहांपनाह से बात करना चाहते हैं। आप जहांपनाह के पास भटक भी नहीं सकते। जहांपनाह, आपकी सुरक्षा के लिए बीरबल जी को कैद खाने में डालना ही होगा। क्या हम भी मजबूर हैं बीरबल? अजीब कश्मकश में फंस गए हैं हम। तिलिस्मी गोले की दो बातें सच हो चुकी हैं जहांपनाह, लेकिन उसका कारण क्यों? कारण आप कैद खाने में बैठकर सोचते रहिए। सिपाहियों, हाँ रूपाली, तिलिस्मी गोले वाली कैद खाने में हम, लेकिन सजा तो आपको ही होने वाली। क्या भविष्यवाणी की थी आपने कि हम बादशाह अकबर की जान लेंगे? पर कैसे लेंगे, हम तो कैद खाने में हैं। आपकी भविष्यवाणी झूठी साबित होगी, कल आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपको सजा से बचा सकते हैं, आपकी भविष्यवाणी सच साबित कर सकते हैं, बादशाह अकबर की जान ले सकते हैं। क्या बादशाह अकबर की जान आप लेंगे? मुझे यकीन नहीं होता। ज्यादा समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास, सिपाही कभी भी आ जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ बादशाह अकबर की चाकरी करने या सेवा करने के लिए नहीं आए, हम खुद हिंदुस्तान के बादशाह बनना चाहते हैं, और इससे अच्छा मौका नहीं है हमारे पास। पर आप ये करेंगे कैसे? आपको इस कैद खाने से निकलने में हमारी मदद करें। Ah!
दसवीं गोले वाले की दो भविष्यवाणियां सच हुई है तो तीसरी कैसे नहीं होती? अभी आपको मौत का कारण बताता हूं। रुक जाइए। अब आप जिंदा है। तीसरी भविष्यवाणी सच नहीं, झूठी निकली। तो फिर ये खून? ये नकली है रानी साहिबा। हाँ, लेकिन हमारी योजना असली थी बीरबल। इस अम्रपाली तिलिस्मी गोले वाली पे शक तो हमें पहले ही हो गया था। फिर हम बीरबल से जाकर कैदखाने में मिले। जहां बना रानी साहिबा के पैर में दर्द इसलिए था क्योंकि उनके एक पैर की जूती उस पैर के आकार से थोड़ी सी छोटी थी। और कैदखाने में ही बीरबल के साथ हमने ये नकली कत्ल की योजना बनाई। और शहजादे सलीम, आपको अंगूर मसक्कली खिला रही थी। कुल मिलाकर महल में बाहर की व्यक्ति भी मसक्कली ही है। जापना तो बताइए, मसक्कली क्या भी इनके साथ शामिल थी? आप सही है बीरबल जी, ये तिलस्मी गोले वाली ने हमें तिलस्मी शरबत पिला दिया था। मसक्कली का अंदाज हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। जापना से इस बारे में अलग से चर्चा करनी होगी। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि सिर्फ अपनी भविष्यवाणी साबित करने के लिए तिलस्मी गोले वाली ने ये सब किया। बताइए क्यों किया आपने ये सब? बताइए क्या बात है जो आप हमसे छुपा रही? बताइए। हमें यहाँ किसी ने भेजा है। किसने? तुर्रम खाने। तुर्रम खान तो ये नया पैतरा आजमाया है तुर्रम ने। सिपाहियों, ले जाओ इस तिलिस्मी गोले वाली को और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ। और इस तुर्रम खान से तो हम बाद में निपटेंगे।